नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए सांसद को अब तिहाड़ जेल में रखा गया है। 8 दिन तक ईडी की कस्टडी में रहने के बाद आप नेता को जेल भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट में उन्हें जज की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है। कोर्ट में उन्हें राजनीतिक भाषण ना देने की नसीहत दी गई है। हालांकि जेल में किताबों को लेकर उनकी एक डिमांड कोर्ट ने मान ली है। 3 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद ईडी ने संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए आप नेता ने कोर्ट में उद्योगपति गौतम अडानी का नाम देकर टिप्पणी की थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें सख्त लहजे में रोका और आगे से ऐसा न करने को कहा है। कोर्ट ने उन्हें दूसरे मसले नहीं उठाने को कहा जो इस केस से जुड़े नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि वह ऐसा करेंगे तो आगे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाएगी। वहीं दोस्तों, संजय सिंह ने कोर्ट में दावा किया था कि अडानी के खिलाफ उनकी शिकायत पर ईडी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर विशेष जज एमके नागपाल ने कहा, दूसरे असंबद्ध मसले नहीं, यदि आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं, मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी पेशी के लिए कहूँगा। जज ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संजय सिंह के वकील ने इसके बाद कोर्ट में याचिका देकर उनके लिए उन्हें जेल में कुछ किताबें ले जाने की छूट मांगी है। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारकों की 16 किताबें संजय सिंह अपने साथ जेल ले जाना चाहते थे। कोर्ट ने उन्हें जेल नियमों के मुताबिक किताबें और दवा साथ ले जाने की छूट दी है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शराब घोटाले के मामले में अब तीसरे मंत्री भी जेल के अंदर जा चुके हैं। सबसे पहले सतेंद्र जैन, उसके बाद में मनीष सिसोदिया और अब दोस्तों सांसद संजय सिंह भी दोस्तों तिहाड़ जेल में जा चुके हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। उधर दोस्तों ठग सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में जाने वाले हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि मैं पूरी बात का खुलासा करने वाला हूं। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।